और अब देखिए सास बहू और साजिश की एक बहुत ही खास, बहुत ही मजेदार और बहुत ही स्पेशल कहानी। किसी ने एक बात कितनी सच्चाई के साथ लिखी है कि द शो मस्ट गो ऑन, फिर चाहे एक्टर को कुछ भी हो जाए, वो बीमार पड़ जाए या उसके घर में कोई हानि हो जाए, कलाकारों के लिए शूटिंग सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। अब इन दिनों जैसा कि हम सब जानते हैं कि जय को चिकन पॉक्स हुआ है, इसके बावजूद वो शूटिंग के लिए हर दिन आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया है जिससे इसका असर दूसरों पे ना हो, लेकिन फिर भी वो बीमार तो है और उस तकलीफ से तो जरूर गुजर रहे हैं। इस सेट पर वो आते हैं और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि कलाकारों से दूरी बनाए रखें। बिना मेकअप किए वो अपना शॉट देते हैं और आपको बता दे कि जय और आध्या की सगाई में दोनों का रोमांटिक गाना भी होने वाला था, लेकिन जय की हालत ठीक नहीं है इसीलिए ग्रुप सॉन्ग पर डांस किया गया। इस माहौल को और भी खुश बना देती हैं जय की मम्मी, जिन्हें हमारा माइक देखकर कुछ कहने की याद आ गई। तो ये तो मेरा सिंबल है ना, ये कहीं भी आपको अब लाइफ में आगे कभी भी दिखाई देगा ना तो आपको सिर्फ द फेमस रूपा मित्तल याद आएगी। और देखो मुझे रोज ही ऐसे ना दलेर मेहंदी बनाते हैं। दलेर मेहंदी जी, माई लुक इज हाईली इंस्पायर्ड बाई यू, आपने देखा। अब मम्मी जी आपने तो दिलेर मेहंदी को और भी फेमस कर दिया। वहीं दूसरी ओर करण तो चाहते हैं कि जय और आध्या की सगाई किसी भी कीमत पर ना हो, इसकी तैयारी भी उन्होंने पूरी कर रखी है। अब मानना पड़ेगा सीरियल की दुनिया को, विलन्स के भी क्या ठाट बाट होते हैं। वैसे करण, आपके कुर्ते पर जो ब्रॉश लगा है वो किसी मेडल से कम नहीं लग रहा है। अब अपनी क्या तारीफ करूं, ये हमारी जो शो की डिजाइनर है उन्होंने बहुत ही कमाल का आउटफिट मुझे दिया है, एंड आई रियली रियली लाइक वेयरिंग दिस। मैं मेरा हमेशा से यही मानना है कि वन शुड बी कंफर्टेबल इन हिज और हर ओन स्किन, उसके बाद आप जो पहने वहाँ पे खेलता है। अब हंसते खेलते इस सगाई तो पूरी हो ही जाएगी, लेकिन शादी तक उतना ड्रामा तो होगा जितना होना चाहिए, और फिर सीरियल बंद भी तो होने वाला है, उससे पहले जय और आध्या की शादी होगी और हैप्पी एंडिंग होगी। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।